हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो भाई, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम, यानी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इसी के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो भाई, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ठीक है। और अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसका नाम सुना होगा। जैसे ये ओम का नियम महत्वपूर्ण है, उसी तरह ये फ्लेमिंग का नियम, ये बाएं हाथ का नियम मैंने इसमें लिया है, ठीक है भाई। इनके दो नियम हैं, फ्लेमिंग का मतलब हाथों से संबंधित आपके, ठीक है। मतलब हाथों से संबंधित कहने का मतलब बाएं हाथ और दाएं हाथ का मतलब ये है कि मतलब इन्हीं के आधार पर वो मतलब ये नियम दिया गया है, ठीक है। ये नियम तो आपके इलेक्ट्रिसिटी से मतलब कन्वर्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में इस नियम का उपयोग होता है, लेकिन वो आपके हाथों के मतलब अंगुलियों के आधार पर इस नियम को मतलब बताया है, ठीक है। तो कैसे बताया है, मैंने ये नीचे मेंशन कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने इसका मतलब टोटली परिभाषा और भाषा सब बता दिए, और अंत तक चलते चलते मैं इसको आपको काफ़ी अच्छे से बता दूंगा। तो भाई, थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो जाए, इसके लिए सॉरी भाई, क्योंकि सॉरी तो नहीं भाई, क्योंकि सॉरी कहने योग्य नहीं भी है, क्योंकि मतलब मैं आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ आपके एग्जाम में तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उल्लेख कीजिए, या सेकंड पूछ देता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, या थर्ड पूछ देता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो भाई, लगभग आप देख रहे हैं कि तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। ये दोनों तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ही है, लेकिन ये क्या, यहाँ वामहस्त, एक ही अंतर होता है, वाम कर देता, तो वाम मतलब आप समझ जाइएगा कि बाएं हाथ, बाएं यानी उल्टा, आपका जो उल्टा हाथ है उसी को बाएं बोलते हैं, ठीक है, बाया हाथ, ठीक है। तो भाई, मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद मैंने नीचे ये क्या लिखा है आप समझ रहे होंगे कि ठ लिखे हैं, लेकिन ठ नहीं लिखा भाई। ये सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन दिखेगी, ठीक है, तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर क्लिक कर लेंगे तो मैं जियो मतलब वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, आपको नोटिफिकेशन चली जाएंगी कि नीलेश क्लासेस की वीडियो अपलोड हुई है यूट्यूब पर, तो आप तुरंत आकर देख लेंगे। वरना अगर सिर्फ सब्सक्राइब कर छोड़ देते हैं तो फिर नोटिफिकेशन नहीं जाएगी और आप उस वीडियो को देख पाएंगे कि नहीं, अब मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये इसका नियम देख लेते हैं, और नियम से पहले मैं देख लेता हूँ इसका उपयोग क्या है भाई, ठीक है, इसका उपयोग क्या है, उसके बाद हम नियम को देखते हैं, ठीक है। और अंत में मैं अपनी अंगुलियों पर मतलब बता दूंगा कि मतलब कैसा मतलब ये है, अंगुली के अपने आधार पर मतलब आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, इसका उपयोग क्या है, सबसे पहले तो देखिए उपयोग क्या है, यह है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर चुंबकीय बल यानी एफ की दिशा का निर्धारण इस नियम द्वारा किया जाता है। तो भाई, ये मैं केवल पढ़ दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं अभी बता दे रहा हूं इसको अच्छे से, एक बार और पढ़ दूं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर चुंबकीय बल यानी बल को एफ से डिनोट करते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण इस नियम द्वारा किया जाता है, इसका मतलब क्या है भाई, मैं आपको नीचे मैन्युअली समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए ये एक तार है, तार आप समझ रहे होंगे जिसमें मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, धारा कहे तो आई, और आई कहे तो विद्युत धारा, जो हम इसे अपनी भाषा में लाइट बोलते हैं, जो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें अगर आपकी धारा प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा, तो आप देखते हैं कि इधर मतलब इधर, और आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ क्षेत्र होता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये क्षेत्र होता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसका मतलब कि अगर आपका जो हाईटेंशन वो तार होता है, जो 11,000 वाला मतलब सब गाँव में या शहरों में फिट होता है जो 11,000, ठीक है, उसके पास एक यहाँ कुछ दूरी पर मतलब एक लोहे का कुछ भी चीज ले जाएंगे तो खींच लेगा, यानी चुंबक है उसमें भाई, यहाँ पे कुछ चुंबक है, तो वही भाई जो ये तार के कारण इधर कुछ क्षेत्र में मतलब चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, तो यही चुंबकीय बल एफ की इसी की दिशा का निर्धारण करने के लिए इस फ्लेमिंग के नियम का उपयोग किया जाता है।
तो आप समझ गए होंगे कि अब मतलब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये भी पूछ देता है, ठीक है, कि मतलब इसका उपयोग क्या कहाँ होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का, तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह आप लिख देंगे, लिखने में तो भाई इसी तरह लिखेंगे, क्योंकि मैं तो आपको मतलब ये समझा दिया मैनुअली, तो लिखने को आप इसी तरह लिखेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक, और धारावाहिक मतलब समझिए गई, ये धारावाहिक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, चालक पर, और चालक हम हर जगह चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, तो चालक कंडक्टर का मतलब कि वही तार, तार है वही चालक है, तो किसी धारावाहिक चालक, धारावाहिक मतलब देश में धारा बह रही है, तो समझ गए होंगे आप, ठीक है, तो वही है सब, तो यही लिखेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर चुंबकीय बल एफ की दिशा का निर्धारण इस नियम द्वारा किया जाता है। किस नियम द्वारा? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। तो उनका नियम क्या है अब यहाँ पे देख लीजिए, तो देखिए नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, क्या बाएं यानी उल्टा हाथ, ठीक है, तो बाएं हाथ के अंगूठे बीच की अंगुली, बीच की अंगुली यानी ये आप समझ रहे होंगे ना, ये पांच छह अंगुलियां है, ये अंगूठा, बीच की अंगुली, और उसके बाद क्या है, बीच की अंगुली और तर्जनी को, तर्जनी यानी ये है भाई, यानी ये अंगूठा, ये बीच की अंगुली और ये तर्जनी, इसको हम तर्जनी बोलते हैं, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, तर्जनी, ठीक है, पांचों अंगुली का अलग अलग नाम है, ठीक है, तो ये इसमें इसको तर्जनी बोलते हैं, तो और इसको इस बीच वाली को भी कुछ इसका नाम है, ठीक है, लेकिन मैं अभी याद नहीं पड़ रहा है, मतलब पांचों का नाम है, ठीक है, तो इसे आप हर जगह देखेंगे बीच की ही अंगुली बोलता है, और फ्लेमिंग के नियम में भी बीच की, इसके बीच की अंगुली ही इसे लिखा है, ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे वही मेंशन कर दिया है, ठीक है, तो आप बीच की अंगुली लिखिए या इसका पर्सनली नाम भी लिख देंगे तो मतलब कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है, तो यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, बीच की अंगुली और तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं कि, ठीक है, तीनों को इस प्रकार फैलाना है, ठीक है, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो, अब लंबवत यानी देखिए एक की दिशा मान लीजिए इधर है तो एक की दिशा इधर हो, लंबवत यानी आप समझ गए होंगे, आप मैथ में पढ़ा होगा लंब, इस तरह लंब यही ना है, ये इस मान लीजिए ये ए बी है तो ए बी पे ये ओ और सी, ये ओ सी क्या है, ओ सी लंब है, तो इस तरह ये लंब होता है, ठीक है, तो जैसे इस तरह वो अभी मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, अभी समझा दूंगा, ठीक है, पहले आप ये नियम देख लीजिए, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, बीच की अंगुली और तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो तथा बीच की अंगुली विद्युत धारा आई, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र, अब यहाँ बी इसलिए लिखा हूँ कि क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन में लिखा है आई यानी विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो अंगुली, तो यहाँ पे अंगुली विद्युत धारा आई तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में संकेत करे तो अंगूठा चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा बताएगा, तो यही इनका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है भाई। अब मैं अपने अंगूठे के आधार पर आपको समझा देता हूँ, ठीक है, तो आइए चलते हैं, तो गाइज आइए देख लेते हैं, जैसे मैंने ये मेरे दो हाथ हैं तो मेरा ये उल्टा हाथ है भाई, उल्टा यानी बायां हाथ, इसी को उल्टे हाथ को बायां हाथ बोलते हैं, आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान जाइए, उल्टे हाथ को क्या बोलते हैं, बायां हाथ, ये हम लोग का जो उल्टा हाथ है इसी को हम बायां हाथ बोलते हैं। तो फाइनली इसके आधार पर मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए हमने क्या परिभाषा दिया था, यदि हम अपने अंगूठे, ठीक है, क्या दिया था, यदि हम अपने अंगूठे बाएं हाथ के, ठीक है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, बीच की अंगुली, क्या बीच की अंगुली और तर्जनी को, तर्जनी यानी ये, ठीक है, इस प्रकार फैलाएं, ठीक है, इस प्रकार मतलब फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो, तीनों क्या भाई, परस्पर लंबवत हो, तो इस तरह देखिए, अगर इस तरह आप किताब में देखेंगे इस तरह फैलाया होगा, ठीक है, थोड़ा मैं आपको मतलब ये कैमरा से वीडियो शूट नहीं करता हूँ इसलिए परेशानी हो रही होगी, ठीक है, तो देखिए इस तरह मतलब आप किताब में देख लीजिएगा, इस तरह यानी देख लीजिए तीनों एक मतलब एक दूसरे के लंबवत है, अगर इसको देखें इसको, तो इस पर क्या है, ये लंब है, मैंने आपको बताया था ना इस तरह आधार और इस पर ये लंब, तो आप समझ रहे हो इस पर ये लंब है, अगर इस पर देखा जाए तो ये अंगूठा लंब है, अगर अंगूठे पर देखा जाए तो ये लंब है, यानी और इस पर ये, इस पर अगर ये इसको नीचे लाया जाए नीचे तक, ठीक है, तो ये इस तरह होगा नीचे तक, और इस अंगूठे पर भी ये लंब है, यानी किसी तरह लेंगे तो
ये सब तीनों मतलब एक दूसरे पर लंब है। तो फाइनली आप समझ गए होंगे इसके बारे में कि लंब, अब लंब का मतलब परस्पर तीनों एक दूसरे के लंब है, जैसा आपकी परिभाषा है उसके हिसाब से मैंने बता दिया। तो तीनों लंब है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए, तीनों परस्पर लंबवत हो तथा बीच की अंगुली, जो ये बीच की अंगुली है, ये विद्युत धारा को प्रदर्शित करे। किसको? विद्युत धारा यानी आई को प्रदर्शित करे। और तर्जनी जो है, तर्जनी यानी ये किसको प्रदर्शित करे? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी को प्रदर्शित करे। तो ये जो हम लोगों का अंगूठा है, चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा को क्या करेगा? डिनोट करेगा यानी बताएगा। यही हम लोग का फ्लेमिंग का नियम है। और मैंने मैनुअली आपको हाथों के आधार पर भी समझा दिया, तो आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक बार मैं फिर से मतलब नियम पढ़ देता हूँ। देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, बाएं यानी उल्टा हाथ, तो उल्टा हाथ तो आप लिखिए मत, मतलब एग्जाम में उल्टा हाथ नहीं लिखेंगे, मैं उल्टा हाथ आपको बता दे रहा हूँ कि उल्टे हाथ को बाएं कहते हैं। तो क्या है नियम भाई, कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, बीच की अंगुली और तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो तथा बीच की अंगुली, ठीक है, बीच की अंगुली धारा आई तर्जनी बी यानी चुंबकीय क्षेत्र को, और मतलब और नहीं भाई, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तो अंगूठा जो है, अंगूठा चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा को बताएगा। यही मतलब नियम है भाई फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। तो मैं समझता हूँ मैनुअली आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे और इसका उपयोग भी काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। उपयोग भी एक बार पढ़ लेता हूँ। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र मतलब अब देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक, अब धारावाहिक चालक मतलब देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए ये धारावाहिक, मान लीजिए धारावाहिक कोई मतलब कोई चालक है, जैसे तार आप समझ रहे होंगे, ये मैंने पहले भी बता दिया, एक बार और बता दे रहा हूँ, ये तार है, तो ये तार इसमें लाइट जो आपकी मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो इसके ये चारों तरफ एक विद्युत धारा बोलो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो वही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो उस चुंबकीय बल की दिशा, उसी में क्या होगा, चालक पर चुंबकीय बल की, वही चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण इस नियम द्वारा किया जाता है। तो फाइनली आप लिखेंगे कि किसी, इसका उपयोग अगर बोल देगा कि इसका उपयोग लिखिए, तो क्या लिखेंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर चुंबकीय बल एफ, चुंबकीय बल को किसे डिनोट करते हैं, एफ, तो वही लिखेंगे चुंबकीय बल एफ की दिशा का निर्धारण इस नियम द्वारा किया जाता है। मैं फिर एक बार इसका उपयोग कर दे रहा हूं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण इस नियम द्वारा किया जाता है। किस नियम द्वारा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। ये आपके मतलब बहुविकल्पीय में भी भाई पूछ देता है कि मतलब चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण किस नियम द्वारा किया जाता है, तो उसमें काफी ऑप्शन दे दिया होगा, तो आप जानेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, तो आप आसानी से कर लेंगे। तो फाइनली बताइए भाई, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भाई पूरा पूरा हमें सपोर्ट करें। तो थैंक यू गाइज।